आज हम दावेदार में आपको मिलवा रहे हैं मोहम्मद जमीरुद्दीन से। जमीरुद्दीन बूंदी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम दावेदार में। इस दावेदार में हम आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग दावेदारों से मिलवाते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं बूंदी विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट की दावेदारी जता रहे मोहम्मद जमीरुद्दीन से मिलवाने। आइए करते हैं उनसे मुलाकात और जानते हैं कि किस प्रकार से वो आए राजनीति में। राजनीति जहाँ तक बात है, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि बूंदी क्षेत्र से ही मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी जन्मस्थली बूंदी है और बूंदी एक ऐतिहासिक नगरी है, लेकिन आज के दौर में जो हालात बूंदी के हैं उनको देखते हुए मैंने जनसेवा का अपना मन बनाया और आज से करीब 10 साल पहले मैं अपने समाज सेवा के क्षेत्र में उतरा। लोगों की मैंने सेवा शुरू करना शुरू किया और जब धीरे धीरे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं राजनीति में कुछ ना कुछ कमी है, तो उस कमी को मैं देखते हुए उसको पूरा करने के लिए मैंने अपना मानस बनाया कि मैं अपना राजनीतिक करियर शुरू करूं और मैं इसी तरह से 10 साल पहले राजनीति में आया। तो राजनीति में आने के बाद, जैसा कि आपने बताया कि राजनीति में आप इसलिए आए जिससे लोगों की सेवा कर सके, राजनीति में आने के बाद किस प्रकार से आपने अपने लोगों की सेवा की? किसी भी चीज़ को लेकर के किसी अधिकारी या नेता तक जाते हैं तो वो हमें एक छोटा कार्यकर्ता समझ के साइड में कर देते हैं, तो इसलिए फिर हमने चाहा कि चलिए राजनीति के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं और विधायक की दावेदारी करते हैं। जब हम उस पद पे होंगे तो आज हम छोटा काम कर रहे हैं, कल हमारी जनता के लिए हम बड़ा काम करेंगे, इसीलिए आज हमने इस चीज़ के लिए सोचा कि हम दावेदारी कर रहे हैं। आपने कहा कि आप सेवा के लिए राजनीति में आए, सेवा तो आप कर ही रहे हैं लोगों की, फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको अब विधायक बन जाना चाहिए तभी सेवा हो पाएगी ढंग से? देखिए, सेवा तो हम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि अभी हमारी सेवाओं में भी एक तरह से देखा जाए तो कमी है। वजह कि हम जब लोगों के पास जाते हैं, उन लोगों को हम समझाते हैं, वो समझते हैं हमारी बात को, हमारे साथ वो आते हैं, लेकिन जब उन लोगों को लेकर हम अधिकारियों तक जाते हैं या किसी मिनिस्टर या नेता तक हम पहुंचते हैं तो वो लोग हमें एक छोटा कार्यकर्ता का समझ करके साइड में कर देते हैं। तो हमने इस चीज़ को देखा और महसूस भी किया कि जब तक हम खुद इस जगह पर नहीं होंगे तब तक हम हमारी जनता की सेवा पूरे तरीके से नहीं कर सकते, इसीलिए हमने यहाँ पर ये इरादा बनाया कि हम विधायक के टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी से दावेदारी करें। अगर पार्टी हमें इस लायक समझती है तो हमारे को वो टिकट देगी और हम जनता की सेवा के लिए रात दिन एक कर देंगे और पार्टी का नाम आगे बढ़ाएंगे अपने क्षेत्रों के अंदर। क्या सोचा हुआ है आपने अपने क्षेत्र की जनता के लिए कि यदि आपको टिकट मिल गया और आप विधायक बन गए तो आपने क्या सोचा हुआ है अपने क्षेत्र के लिए, क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली मेरी प्राथमिकता इस बाबत ये रहेगी, अगर मैं मुझे पार्टी भरोसा मुझ पर जताती है और मैं यहाँ से विधायक बनता हूँ तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी यहाँ पर उद्योगों की स्थापना, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा जो मामला है वो उद्योग की कमी है, जिससे कि यहाँ का एक पढ़ा लिखा बहुत बड़ा तबका हमारे शहर से पलायन कर जाता है, एजुकेशन यहाँ हासिल करता है लेकिन वो बाहर के क्षेत्रों में जाकर के बस जाता है। सबसे नज़दीकी क्षेत्र जो है कोटा, तो बूंदी से निकल के आदमी कोटा की ओर चला जाता है, वहाँ पे अगर उसका नहीं होता है किसी तरह का रोजगार का मामला तो जयपुर आ जाता है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर विदेश को चले जाते हैं, तो ऐसे में हमारे यहाँ पर रोजगार की कमी खलती है और रोजगार नहीं होने की वजह से यहाँ का हमारा विकास रुका हुआ है। शहर का विकास अगर सही तरीके से हो सकता है तो वो है रोजगार पर। जब हम यहाँ उद्योग की स्थापना करवाएंगे, लोगों को हमारे जो यहाँ का एक बड़ा पढ़ा लिखा तबका है उसको रोजगार मिलेगा, वो यहाँ रहेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। इसके अलावा अगर हम लेके चले यहाँ के विकास की अगर हम बात करें और आगे की तरफ, तो हमारा आता है पर्यटन। पर्यटन के अंदर हम देखते हैं कि पर्यटन के नाम पर बूंदी को कहा तो जाता है पर्यटन नगरी, लेकिन यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं है जो पर्यटन के क्षेत्र में होना चाहिए। अच्छी होटलें यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा देखने के लिए पर्यटक आते हैं कुछ चीज़ों को तो उन्हें देखने को मिलते हैं सिर्फ एक टूटे हुए खंडर, गंदी बावड़ियाँ, सूखे तालाब या कमल जड़ों से अटे हुए तालाब। इसके अलावा बूंदी शहर के अंदर पर्यटकों को कुछ नहीं मिल पाता। सुविधा के नाम पर अगर हम देखें पर्यटकों की, तो शौचालय गंदे पड़े हैं, कई जगहों पर शौचालय नहीं है जहाँ ज़रूरत है, और जहाँ शौचालयों की ज़रूरत है वहाँ पर एक टीन के डब्बे रख करके यहाँ के प्रशासन ने इतिश्री पूरी कर ली अपनी, लेकिन क्या पर्यटक उन चीज़ों का इस्तेमाल करता है? इसके लिए हमें ये चाहिए कि पर्यटन के क्षेत्र में हम कुछ ऐसे काम करें जो कि मील का पत्थर साबित हों, जैसे अच्छे होटलों की स्थापना हो। हमारे शहर की मुख्य झीलें हैं नवल सागर और जयसागर। जयसागर झील का हाल ये है, कमल जड़ों से अटी पड़ी है, कमल हर तरफ उसके अंदर नजर आता है। बूंदी का चावल देश भर में विख्यात है, यहाँ की इंडस्ट्री के लिए आप क्या करना चाहेंगे जिससे कि ये और फले फूले? देखिए, चावल उद्योग की जहाँ तक बात आती है, चावल उद्योग बूंदी का एक प्रमुख उद्योग है। इसके अलावा मैं समझता हूँ शायद बूंदी में और भी उद्योग हैं लेकिन इतने बड़े पैमाने पर वो नहीं है, और जिस पैमाने पर चावल उद्योग चल रहा है
ये काफ़ी बड़ा पैमाना, लेकिन आज सरकार ने जो नीतियाँ अपनाई हैं उसके देखते हुए ऐसा लगता है कि चावल उद्योग काफ़ी खतरे में है। और अगर हम लेके चलें तो किसान धान पैदा करता है बूंदी में, कई किसान ऐसे हैं जो सिर्फ धान की उपज करते हैं, इसके अलावा दूसरी उपज पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके लिए उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ती है धान के लिए पानी की। अगर गरड़दा बांध हमारा जो चल रहा है इस वक्त में जो डैमेज हो चुका है, वो गरड़दा बांध जल्दी ही अगर बन जाए और उससे पानी किसानों को मिलने लगे तो किसान चावल उद्योग चावल पैदावार की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे। जब पैदावार बढ़ेगी तो हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी और मैं इस ओर प्रयास पूरा करूँगा। और इसके हिसाब से साथ में आपको एक बात और बताता चलता हूँ कि बूंदी के अंदर जहाँ तक उद्योगों की बात आती है तो उद्योगों के मामले में गरीब और मजदूर वर्ग, इसके अलावा मैकेनिकल लाइन के जो वर्ग हैं वो काफ़ी दबे हुए हैं। आज सरकार ने बूंदी से बाहर बाईपास पर तालाब गांव के निकट में रिको के लिए जहाँ मोटर मार्केट स्थापित करना है उसके लिए ज़मीन पास की हुई है, लेकिन उसके लिए और पेमेंट भी जमा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो ज़मीन अटकी पड़ी है। वजह क्या है इसकी? ना तो इसका प्रशासन जवाब देता है, ना सरकार इसका जवाब देती है। पिछले दो बार से बूंदी में लगातार बीजेपी जीत रही है, ऐसे में कैसे आपको लगता है कि अगर आपको टिकट मिल भी गया तो आप जीत दर्ज कर लेंगे? देखिए, ये जनता के ऊपर है, जनता किसको अपना सर्वसर्वा चुनती है। जनता ने बीजेपी को दो बार मौका दिया, लेकिन बीजेपी अपने जो उसके मर्स ने अपना घोषणा पत्र दिया था या कोई अपने वादे किए थे उन सब में वो नाकाम रही। मजदूर तबका दबा हुआ है, किसी भी तरीके का उनको उसको प्रॉफिट नहीं मिल पाया। इसके अलावा आप ये लेके चलिए, आज GST, नोटबंदी और भी कई ऐसे मामले सरकार की तरफ से आए हैं जिसकी वजह से एक मजदूर वर्ग जो है उसको सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को लेकर के इस बार जो है जनता का मूड कांग्रेस के लिए बना हुआ भी है, और अगर मैं अपने आप को उनके बीच में सही साबित कर पाया कि मैं जनता के हित के लिए काम करूँगा तो मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे पूरा सपोर्ट करेगी और मुझे जीत का ताज पहनाएगी। आपको राजनीति में आए महज 10 साल पूरे हुए हैं, चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे समीकरणों को मैनेज करने की ज़रूरत होती है, क्या आप कर पाएंगे वो सब? देखिए, मैं किसी समीकरण को समझता नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ, जनता। मैं जनता में से हूँ, जनता के लेवल का आदमी हूँ, एक छोटे लेवल का आदमी हूँ और जनता की सेवा करना जानता हूँ। जनता सेवा से खुश होती है, मैं समझता हूँ इस बात को। अगर मैं जनता का दिल जीतने में कामयाब हुआ तो सारे समीकरण एक जगह एक तरफ रह जाएंगे और जनता मुझे अपने हर आंखों पर बिठा लेगी। जमीरुद्दीन जी, अगर फिर भी कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया तो फिर आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जनता में से हूँ, जनता की आवाज़ पर ही मैंने पार्टी से टिकट के लिए दावेदारी की है, और टिकट देना न देना ये हाईकमान का फैसला है, उनका जो भी फैसला होगा मेरे सर आँखों पर होगा। मुझे जनता ने आवाज़ दी और मैं उनकी सेवा करता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस सेवा को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए दावेदारी करूँ, विधायक का चुनाव लड़ूँ, तो मैंने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। अब मेरी दावेदारी का और जनता की आवाज़ का सम्मान करना पार्टी का काम है, अगर वो उनका सम्मान करते हैं और इस बात को समझते हैं तो मुझे ज़रूर वो मौका देंगे और मैं जनता की सेवा के लिए हर हाल में खड़ा हूँ। तो ये थे मोहम्मद जमीरुद्दीन, जिनका कहना है कि जनता की सेवा ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है, उसी के लिए मैं राजनीति में आया हूँ और मेरी सेवा इसी प्रकार बरकरार रहेगी।